नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टेट टाइम के लाइव ब्रॉडकास्ट में। और आज का मीडिया बुलेटिन आ चुका है और आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोविड के केसेस 5000 के पार हो गए हैं। अगर मैं कुल केसेस का आंकड़ा बताऊं, आज लगभग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 5443 केस एक्टिव पॉजिटिव केस आए हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यकीनन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पिछली तारीखों के साथ, जिस तरह से हर दिन जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। और मौत की आंकड़े की अगर मैं बात बताऊं तो वो कल के मुताबिक आज 2 मौतें कम हुई हैं। आज कुल मौतें 50 हुई हैं, जिसमें 29 मौतें हैं वो जम्मू डिवीज़न से हुई हैं, वहीं 21 मौतें जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं, और ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। फिलहाल अभी मैं अपनी प्रेजेंट लोकेशन बता दूं, इस समय मैं ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर हूं और यहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। और क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो लॉकडाउन के बीच में पुलिसकर्मी हमेशा जो है वो सख्ती करते हुए दिखते हैं। और यकीनन जिस तरह से लोग जो हैं वो घरों से बाहर रहते हैं तो वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, अगर हम इसको कहते हुए अगर ये कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं आज के तकरीबन जो 50 मौतें हुई हैं इनमें किस जगह कहां कहां कितनी मौतें हुई हैं, तो सबसे पहले जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 18 मौतें हुई हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में 3 मौतें हुई हैं और एक मौत हुई है वो पोलो हॉस्पिटल मोहाली में हुई है। अगली एक मौत जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में, एक मौत फोर्टिस अमृतसर में, एक मौत एसकॉम जम्मू में, एक मौत SHH यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू, और 4 मौतें जो हुई हैं वो ब्रॉट होम डेड लाए गए हैं, वो 4 लोग हैं। इसके अलावा एक मौत जो है स्किम्स JVC बेमिना में, 6 मौतें स्किम्स सौरा में, एक मौत SMHS श्रीनगर में, एक मौत GMC बारामूला में, 2 मौतें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, एक मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपिया में, एक मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा में, 3 मौतें JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में, एक मौत CHC कुपवाड़ा में, और 3 मौतें GMC अनंतनाग में हैं। और ये आंकड़ा कुल मिलाकर 50 का हुआ है। जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं लगभग 5443 जो केसेस आए हैं उनमें एक्टिव पॉजिटिव केस 1868 केस जो हैं ये जम्मू डिवीज़न से हैं, वहीं 3575 जो हैं ये कश्मीर डिवीज़न से हैं। और पैरेलली अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज जो लोकल लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं वो 1059 ये एक्टिव पॉजिटिव केस हैं। वहीं जम्मू की बात करें तो 598 हैं, जिसमें 41 अलग से जो है ट्रैवलर है, कुल मिला के 629 हैं। और कश्मीर के अगर हम टोटल गिने तो 1031 हैं, क्योंकि 12 जो है ट्रैवलर हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के तमाम बड़े कोविड अस्पताल, जिनमें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, CD हॉस्पिटल, उसके अलावा MCH गांधीनगर जो कि मटर्निटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसका दौरा किया जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है इस समय। और कल की जो तस्वीरें थी जहां पर सिटी हॉस्पिटल में लोग ऑक्सीजन मास्क के साथ बाहर सड़कों पर दिखे गए सिलेंडर के साथ, क्योंकि जगह नहीं थी, और वो उन तस्वीरों ने सरकार की बहुत किरकिरी की कि जहां एक और दावे किए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बेड्स थे, ऑक्सीजन की पूरी कमी नहीं है, और जो स्टाफ है वो भी कंप्लीट है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल की तस्वीरें उन्होंने उन तस्वीरों ने सरकार की किरकिरी ज़रूर की थी, लेकिन उसी चीज़ की कहें कि इंस्पेक्शन करने के लिए उपराज्यपाल आज GMC उसके अलावा CD हॉस्पिटल और MCH गांधीनगर में गए, जहां उन्होंने डॉक्टर से बात की और वहां की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब की जांच की है। लेकिन उसके अलावा तब भी जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें हम पिछले लॉकडाउन का जो ये सिलसिला चल रहा है और लॉकडाउन एक्सटेंड भी हुआ है 10 मई तक, तो साफ तौर पर उस दौरान ये यकीनन आंकड़े कम होने चाहिए। अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार जब लॉकडाउन लिया जाता था तो आंकड़ों में कमी आना शुरू
हो जाती थी और नतीजे दिखते भी थे। लेकिन इस समय जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि अब खत्म होने को आ रही है, क्योंकि आज 7 तारीख है, इसके बाद 10 तारीख यानी कि सोमवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन खत्म हो जाना है, तो सरकार को एक बार दोबारा इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि अभी के समय में जो उन्होंने लॉकडाउन की अवधि पूरी रखी है, क्या ये पर्याप्त है, क्या लॉकडाउन आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जहाँ जहाँ पर इस समय है और कई डिस्ट्रिक्ट जो है एग्जम्प्ट भी हैं, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन में कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको लिया गया है, जो कि शुक्रवार यानी कि आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक, 10 मई सुबह 7 बजे तक कई डिस्ट्रिक्ट्स ने वीकेंड लॉकडाउन लिया है, उसके अलावा बाकी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस में छूट दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में कमी नहीं आ रही है, और अगर हम कुछ अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का कंपैरिजन करें जम्मू और श्रीनगर के अलावा, तो अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, जम्मू के बाद सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं वो इस समय राजौरी में है, जो कि 298 आज एक्टिव पॉजिटिव केस जो लोकल में है, उसके अलावा 249 लोकल उधमपुर के हैं जिसमें 43 ट्रैवलर हैं और राजौरी में 2 ट्रैवलर हैं। और इसके अलावा हम कश्मीर की पैरेलली बात करें, बारामूला में 492, बड़गाम में 380 और अनंतनाग में 564 जो है एक्टिव पॉजिटिव हैं, जो कि लोकल हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बात करें तो लोकल लोग जो हैं ये संक्रमण उनमें भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और यकीनन जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। और वैसे ही तस्वीरें हमने आज आपको सुबह भी दिखाई थी, जहां पर DRDO जो 500 बेडेड अस्पताल जम्मू में बना रहा है उसका आज से काम शुरू हो गया, और ये युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, कई JCB मशीन्स लगी हैं और जो सामान है वो ट्रक्स में लोड होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक फुल फ्लैश्ड जो है कोविड अस्पताल बनेगा 500 बेड का, जो कि फुली एयर कंडीशन रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, वेंटिलेटर्स रहेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे, और एडिशनल जो स्टाफ है उसकी तैनाती होगी, जो पर्टिकुलरली वो उस DRDO अस्पताल में रहेगा। तो जब ये अस्पताल मई के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा पैरेलली जम्मू और श्रीनगर में, तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और एक ऑप्शन सरकार के पास खुल जाएगा कि जो लोड अभी GMC CDO हॉस्पिटल या फिर MCH गांधीनगर पे है उसे वो डाइवर्ट कर सकते हैं डेडिकेटेड कोविड DRDO अस्पताल में। तो ये भी राहत है, लेकिन उसको अभी बनने में वक्त है। लेकिन तब तक अगर हम डेली जो इस समय आंकड़े आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करें, तो हर दिन जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और आज का आंकड़ा यकीनन सरकार के लिए परेशानी ज़रूर बनाएगा। जहां पर 543 केस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आए हैं, वहीं जम्मू में भी अगर मौत का आंकड़ा देखें वो GMC में कम होने का नाम नहीं ले रहा है, 18 मौतें आज भी हुई हैं। तो एक और लोग जहाँ अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके लिए जितना हो सके उतनी बेहतर मेडिकल सुविधाएं उनको देगा, लेकिन निराशा लोगों को मिल रही है और परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी अप्रोच नहीं है, उनकी वहाँ पर ठीक से सुनवाई नहीं हो रही अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें। तो इस समय सरकार को बहुत ज़्यादा सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात जो आम नागरिक है जिनकी अप्रोच नहीं है उनके लिए सरकार जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखे, तो ही कहें कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको हम एक अच्छा उसके लिए हम अच्छा कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज़ जिनका अप्रोच है वो तो अपनी अप्रोच लगा के इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी अप्रोच नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब क्या आगे सरकार जो 10 मई तक लॉकडाउन है, क्या आगे इसको बढ़ाने का कोई संकेत दिखता है, क्योंकि लॉकडाउन फिलहाल जिन डिस्ट्रिक्ट्स में है वहाँ पर केसेस में कमी नहीं देखी जा रही है, तो सरकार आगे क्या सुनिश्चित करती है, ये आगे कल तक ये या फिर रविवार शाम तक ये साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत साफ तौर पर दिख रही है। विजिलेंस पम शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स जम्मू।